हाय आई एम राहुल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स आज हम कुछ एलजब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हम देखेंगे एलजब्रिक आइडेंटिटीज डिफरेंट काइंड ऑफ एलजब्रिक आइडेंटिटीज़ और फिर देखेंगे उनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं सो so, हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दो वॉर्म अप क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो so, हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को सिम्प्लीफाई करना है अगर हम इस सबसे पहले को सिम्प्लीफाई करते हैं ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर एट फोर बी स्क्वायर एट ट्वेंटी ए बी सो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू फाइव एट टू बी होल स्क्वायर अगर हम वैसे ही इस सेकेंड वाले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो so हम इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं ए माइनस बी एट बी आईडेंटिटी से सो so हमें इसका आंसर मिलेगा सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस नाइन तो हमारे पास सबसे जो पहली आइडेंटिटी है वो है ए माइनस बी होल क्यू इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यू माइनस फ्री ए माइनस बी सो अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं सो so हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं हमारा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड मिलता है वो ए माइनस भी होल क्यूब मिलता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर अब यहाँ पे हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के इस ब्रैकेट को हम स्प्लिट अप करते हैं तो so हमें पूरे सॉल्व करने के बाद ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है हमारे अब हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सेकेंड आइडेंटिटी जो कि कहती है ए आर बी होल क्यूब इक्ल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए आर बी अगर हम इसे प्रूफ करना है तो हम इसमें दोबारा से एल एच एस कंसिडर करेंगे ए आर बी इक्वल्स टू होल क्यूब जो कि हम लिख सकते हैं ए आर बी एंड ए आर बी होल स्क्वायर के तौर पर अब यहाँ पर हम ए बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को स्प्लिट अप करके अगर सॉल्व करें तो हमें ये आंसर आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है आइए हम अपनी थर्ड एंटिटी के बारे में बात करते हैं जो कि कहती है एट बी एट सी होल स्क्वायर जो कि इक्वल्स टू ए स्क्वायर एट बी स्क्वायर एट सी स्क्वायर एट टू एट टू बी सी एट टू सी ए जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें थ्री एक्स एट फोर वाई एट फाइव जेड होल स्क्वायर अगर हमें इसे एक्सपैंड करना है तो हम इसे एंट्री लगा के ये हम एक्सपैंड कर सकते हैं और जिसको हमें सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा नाइन एक्स स्क्वायर एट सिक्सटीन वाई स्क्वायर एट ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर ट्वेंटी फोर एक्स वाई एट वाई जेड एट थर्टी एक्स जो हमारी अगली आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी फोर है इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब एट बी क्यूब एट सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू एट बी सी एंड ए स्क्वायर एट बी स्क्वायर एट सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आइए यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देख कंसिडर करते हैं जो कि है एट एक्स क्यूब एट ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब एट जेड क्यूब माइनस एटीन एक्स वाई जेड हमें इस इक्वेशन में एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी लगाने के लिए इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ तक फिर हम अपनी आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपैंड कर देंगे तो हमें सिम्प्लीफाई करने के बाद ये आंसर मिलेगा ये हमारे दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सबसे पहला कहता है हमें इवेल्यूएट करना है इन दोनों को यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज़ हमें इन दोनों को सॉल्व करना है सबसे पहला है नाइन्टी सिक्स होल क्यूब एंड द सेकंड वन इज थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन होल क्यूब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है सबसे पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है सिक्सटी फोर पी क्यूब एड एट क्यू क्यूब एट नाइन्टी सिक्स पी स्क्र क्यू एट फोरी एट पी क्यू स्क्वायर एंड दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ए क्यूब एट एट बी एट सी माइनस ए बी सी आप इस वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ये हैं आप ये वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर यू कैन जस्ट विजिट जस्ट यूटर्स डॉट कॉम